और राइट गाइस, तो कैसे हैं आप? समय संदीप और आप सभी का स्वागत है लिटिल गेमर चैनल पे। भाई सबसे पहले थैंक यू आप सभी का सपोर्ट देने के लिए मेरे चैनल पे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 12 बज गए हैं। अभी मैं सो के उठा, मैंने चाय पी, मुझे लगा कि डुअल जो PS5 कंट्रोलर है मैं उसको बता दूं कि हाँ वो उस रियलिटी में उसमें क्या डिफरेंस है। तो गाइज़ आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया ही था कि उसका जो नाम है वो PS5 कंट्रोलर नहीं है, उसका नाम है डुअल सेंस कंट्रोलर, उसका नाम रखा गया है PS5 का। अब उसके अंदर क्या नई नई बातें हैं, पहला जो मैंने पढ़ी है, मैंने R&D करी है तभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक PS का बटन होता है, वहाँ पे PlayStation 5 पे, वहाँ पे बिल्ट इन माइक्रोफोन है, मतलब आपको हेडसेट लगाने की जरूरत नहीं है जो PS4 में होता था। 3.5 mm का जैक लगाओ, फिर उसके बाद वो लीड से वो खींचेगा, वो अपनी क्या बोलते हैं उसको माइक, तो वो वॉइस खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें बिल्ट इन है। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटा सा छेद होगा, वही आपका माइक हो, जैसे फ़ोनों में होता है सेम। ठीक है, पहला फीचर तो ये हो गया माइक। दूसरा है डुअल सेंस का मीनिंग क्या है। अब गाइज मैं एक बात बताऊं, जो PS5 कंट्रोलर, आपको याद होगा कि PS5 के लिए 2-3 गेमें हैं जो मतलब एक्सक्लूसिव ही रहेगी, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर जो 5 आएगी। ठीक है, तो गॉड ऑफ वॉर 5 में थॉर आएगा और वो PlayStation 5 के साथ ही रिलीज होगी, और द लास्ट ऑफ अस Part 2 वो भी आएगी उसी के साथ ही आएगी, आप जानते हो, तभी हाइप बनेगा, तभी PS5 बिकेगा। ठीक है, अब डुअल सेंस का मीनिंग क्या है, कंट्रोलर में आपने देखा होगा यहाँ पे ये L1 L2 है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि R1 R2 L1 L2, और जैसे किसी कंट्रोलर में, जैसे Xbox वाले में होता है LB RB, ऐसा होता है ना। तो ये जो ट्रिगर वाले जो होते हैं ना, तो जैसे अगर मैं कोई शूटिंग गेम खेल रहा हूँ, तो शूटिंग गेम में आपको पता है कि इससे जो होता है, इससे आप एमिंग करते हो और इस वाले से आप फायर करते हो, तो जितनी देर तक आप होल्ड करके रखोगे उसकी वाइब्रेशन उतनी बढ़ती चली जाएगी। और अगर जैसे आप कोई शूट कर रहे हो, शूट करने का आपका तरीका भी अलग बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं कोई स्नाइपिंग वाली गेम खेल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई गन है, तो उस गन का भी जो साउंड होता है, जिस तरीके से वो गन चलती है, वो वाइब्रेशन मोटर भी उसी तरीके से होगी। तो एक तरीके से जो सेंस होता है, जो गेम में हम फील करते हैं, वो फील आपको उस कंट्रोलर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है उसका डुअल सेंस का मीनिंग, उसका सेंस का मीनिंग उस कंट्रोलर से है, यानी कि उस फीलिंग से जो आप उसमें, जैसे कार में गेम खेलते हो, मतलब कि रेसिंग वाली गेम खेलते हो, उससे मीनिंग है उसका। अगर आप कोई गाड़ी जैसे उसमें चला रहे हो, कीचड़ में चला रहे हो अपनी गाड़ी या अपनी बाइक, तो अगर आप इस ट्रिगर इसका यूज़ करोगे, और जब इसका यूज़ करोगे तब आपको फीलिंग होगी कि हाँ मेरी गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है, दब के चल रही है, इसलिए मेरा कंट्रोलर भी वैसे ही वाइब्रेट हो रहा है। तो डुअल सेंस का मीनिंग है मोटर से और आपके ट्रिगर से, उसका मीनिंग है डुअल सेंस का, बस। और एक बिल्ट इन माइक्रोफोन दे दिया, और यहाँ पे PS4 में यहाँ पे बटन होता है एक, वहाँ पे शेयर का होता है PS4 में, शेयर का और एक ऑप्शन का, तो शेयर को क्रिएट कर दिया है, बस ये चेंज कर दिया है। ठीक है, तो गाइस ओवरऑल जो जो चीज़ थी मैंने बता दी, डुअल सेंस का मीनिंग आपके कंट्रोलर से है, आपके ट्रिगर से है, जो आप फीडबैक करोगे, मतलब फील करोगे कि हाँ मेरी गाड़ी कैसी चल रही है, मैं स्नाइपिंग करते वक्त कितना मैं होल्ड रख रहा हूँ, तो वो फीलिंग आएगी आपको, समझ रहे हो ये चीज़। तो अभी तो मैं बता नहीं सकता एग्जैक्ट कि हाँ क्या है, लेकिन जो लिखा था वो मैंने आपको बता दिया वेबसाइट पे, मैंने पढ़ा सोचा आपको बता दूँ। बिल्ट इन माइक्रोफोन दे दिया, और गाइज एक बार बताऊँ, डू मतलब जो लुक है ना, हाँ ये मुझे लुक पसंद आया उसका, वाइट कलर का, प्लस यहाँ पे जो ब्लैक है ब्यूटी, बड़ा मुझे अच्छा लगा, थोड़ा ब्लू देखने को मिल रहा है तो अच्छी बात है। और यहाँ पे है वो डिस्प्ले जो ब्लू कलर का जो आता है ना, PS4 में यहाँ पे आता था पीछे की साइड, अब PS5 में यहाँ और इस साइड पे दे दिया, जैसे इसमें, तो इसमें तो ऐसे दे रखा, उसमें तो यूं ही है। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था PS5 कंट्रोलर। अब एक बात और मैं आपको बता दूँ, गॉड ऑफ वॉर 2 का ट्रेलर शायद जल्दी रिलीज़ होगा, आई होप, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बताना मुझे अगर मैंने कोई गलती करी है, बट मैंने जितना हो सकता है मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको पता ही है। बाय गाइस, सी अप। और अभी यार अपडेट यही है कि LED अभी ठीक नहीं हुई, लॉकडाउन 3 तारीख तक बढ़ गया है, तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो गई है, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं और कुछ नहीं कर सकता अभी फ़िलहाल के लिए यार। बाय गाइस, देखते हैं क्या होता है।